अभी तो बिल्कुल स्लो है, मार्केट के अंदर कोई उठाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है, सिर्फ शॉपकीपर्स आ गए हैं पर कस्टमर बिल्कुल नहीं है अभी। नहीं नहीं अभी बिल्कुल कस्टमर नहीं है। विदाउट मास्क विदाउट सैनिटाइजर किसी को एंटर नहीं करने दे रहे, इतने लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं अभी भी ऐसा हाल। ऑटो में आई हूँ, मैंने उसको बोला भैया मास्क पहन लो, हम अपनी सेफ्टी के लिए नहीं आपकी सेफ्टी के लिए भी कह रहे हैं, मैंने अभी ऑटो वाले को भी बोला यही बात। ये चीज़ें काफ़ी पहले से होती, तो जितनी ये कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोगों की डेथ्स हुई हैं, ये चीज़ें नहीं होती उस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर, मैं हूँ आपके साथ प्रवेश। आधी दिल्ली आज से खुल चुकी है, अनलॉक टू की घोषणा के बाद से दिल्ली के बाज़ार धीरे धीरे खुलना शुरू हो गए हैं। आज ऑड इवन की तर्ज पर दिल्ली के बाज़ार जो हैं वो खुल चुके हैं। इसी को देखने के लिए हम आज पहुंचे हैं दिल्ली की मालवीय नगर मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाज़ार जो है वो लगभग खुल चुका है। ऑड इवन की तर्ज पर यहां दुकानें खुली हुई हैं, एक दुकान बंद है, एक खुली हुई है। हालांकि ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं वो लगभग सारी खुली हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी दुकानें हैं वो ऑड इवन के तर्ज पर वो दुकानें खोली गई हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए हुए हैं दुकानदारों ने, ताकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको जो है यहाँ पर फॉलो किया जा सके। और जिस तरीके से देखा गया था कि पिछली बार जब दुकानें और मार्केट खुली थी दूसरी वेव आने से पहले, जिस तरीके से बाज़ारों में भीड़ थी और लगातार जो है फिर कोरोना के मामले बढ़े और हालात बेकाबू हो गए, तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए इस बार जो है तैयारी जो है वो दुकानदारों की तरफ से भी की गई है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और जिस तरीके से ऑड इवन के तहत यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है। एक भाई साहब है, नमस्कार भाई साहब, आप मार्केट में क्या कुछ खरीदे? नहीं नहीं, कंपनी की तरफ से हूँ। कंपनी की तरफ से हैं, तो बाज़ार खुल गए हैं, किस तरीके का चैलेंज अब दुकानदारों के सामने है? नहीं, अभी तो 50 दिन के बाद बाज़ार खुले हैं, अभी तो मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं मतलब। अच्छा, तो अभी आप किस पर्पस से यहाँ पर आए? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आया हूँ जैसे मतलब। ठीक है, चले, तो ये मिलने के लिए आए थे, तो आपने देखा कि बाज़ारों में अभी हालांकि भीड़ आप उस तरीके की नहीं देख रहे हैं जिस तरीके की भीड़ यहाँ हुआ करती थी। एक दुकान है, इस दुकान में चलते हैं और यहाँ पता करते हैं कि किस तरीके के इंतज़ाम इन्होंने कोविड को लेकर किए हुए हैं। आपकी दुकान आज ही खुली है या पहले से ही खुली थी? अच्छा, मैनेजर साहब, चलिए आगे बात करते हैं। नमस्कार जी, दिल्ली के बाज़ार आज से खुल गए हैं, ऑड इवन के तहत जो है दुकानों को खोला गया है, किस तरह का चैलेंज जो है आपके सामने दुकानदारों के सामने? दुकानदारों के पास सामने नहीं है जी, पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने है। अपनी प्रिकॉशन रख रहे हैं हम लोग, जैसे आप लोग नीचे खड़े हैं, नीचे देखिए, सब हमने मास्क किए हुए हैं, आगे बाहर गोले लगा रखे, विदाउट मास्क विदाउट सैनिटाइज़र किसी को एंटर नहीं करने दे रहे, वही सब प्रिकॉशन ले रहे हैं जी। जिस तरीके से देखा गया था जब सेकेंड वेव से पहले का जो दौर था, उस दौरान ये देखा गया था कि मार्केट में बेतहाशा जो भीड़ थी और कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से भी ढील थोड़ दी गई थी, लोगों की तरफ से भी ढील हो गई थी, दुकानदारों की तरफ से भी थोड़ा ढील हो गई थी, इस बार जो सेकेंड वेव के बाद का जो दौर है ये कैसा रहने वाला है? क्या इस बार कुछ सख्ती जो है, सख्ती के साथ दुकानदार भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे? सख्ती नहीं जी, डर, डर। सख्ती तो सरकार कर रही है ना, पर एक डर जो एक आम आदमी के अंदर है, जो आपके अंदर और जो मेरे अंदर है, मास्क लगा रखा है हमने, सरकार की इसमें क्या गलती है जी? ठीक है, हर कोई दुकानदार ढीला हो गया था, सब कुछ हो गए थे, पर अब जो एक डर है ना थर्ड वेव का, जो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, डर के लिए सब डर के अंदर जी रहे हैं, उसके लिए जो है वो प्रिकॉशंस पहले से ही इस बार ली जा रही है। चलिए, तो ये तमाम चुनौतियां हैं इस बार दुकानदारों के सामने भी, आगे और मार्केट में बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार सेकेंड वेव के बाद जो अब ये अनलॉक टू की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो दुकानें खुली हैं उसको लेकर यहाँ पर दुकानदारों के साथ साथ जो ग्राहक हैं मार्केट में आने वाले, उनके सामने भी क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरीके से दोबारा एक बार जो है अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। तो पूरा जो दारोमदार है वो बाज़ारों पर ही रहता है, लोगों के रोज़गार छीन गए हैं, कुछ लोगों की नौकरी चली गई हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी तरह की चुनौतियाँ। यहाँ पर एक मैम हमारे साथ में है, मैम आप बाज़ार ख़रीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी। कैसा आपको लग रहा है, किस तरीके के चैलेंजेस हैं इस बार, क्या कुछ सख्ती के साथ इस बार बाज़ार खुले हैं, या कुछ दिख रहा है आपको कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सैनिटाइज़र प्रॉपर हो रहा है? हाँ, वो तो प्रॉपर हो रहा है, पर बिल्कुल सख्ती नहीं थी इस बार, तो इतने लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं,
अभी भी ऐसा हाल। ऑटो में आई हूँ, मैंने उसको बोला भैया मास्क पहन लो, हम अपनी सेफ्टी के लिए नहीं आपकी सेफ्टी के लिए भी कह रहे हैं। मैंने अभी अभी ऑटो वाले को भी बोला यही बात। मतलब अभी भी लोगों को जो है समझ कम आ रही है, बहुत कम है, बहुत बच्चे भी नहीं लगाते ना तो बूढ़े लोग लगाते, ना कोई भी नहीं लगा रहा भैया अभी इस टाइम पे, मास्क नहीं लगा रहा तो ये फिर भी नहीं लगा रहे। ठीक ठीक ठीक, तो ये एक समस्या जो है लोगों को भी समझनी चाहिए कि किस तरीके से मास्क जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो दो हथियार हैं, यही कोरोना से बचा सकते हैं। हमारे साथ एक और पीछे एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? सर मैं जॉब करता हूँ MNC कंपनी के लिए। तो यहाँ कैसे, मार्केट कैसे? मार्केट में ही आया हूँ, आज तो ओपन हुआ है तो आज ही आया हूँ। अच्छा, आज ही आए हैं। तो किस तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और क्या कहते हैं मास्क वगैरह को लेकर, है थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक हैं लोग? जागरूक तो इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों को अभी ना प्रॉपरली, इतने पेंडेमिक के बाद भी इतनी कैजुअलिटीज़ हुई लोगों की, उसके बाद भी वही लोग प्रॉपरली मास्क भी पहन रहे हैं और सैनिटाइज भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, जिनके करीबी में कोई गया है या उनकी फैमिली में या कोई रिलेटिव्स में जिनको पता चला है उन्होंने कि ये सिचुएशन सच में सही है, बच के रहना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आपको वैक्सीन लग गई क्या? नहीं, अभी दिल्ली में तो नहीं लग रही है, मतलब अभी तो 18 से 44 को वो है नहीं प्रॉपरली। अच्छा, बट पहली डोज भी नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रखा है मेरा। अच्छा, पहली डोज लगी कि नहीं? अभी नहीं लगी, क्योंकि अभी दिल्ली में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है ना इसलिए। अच्छा, अभी वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से सरकारों ने जो मैनेजमेंट किया वो कहीं ना कहीं फेल हुआ? इस पे तो मैं पॉलिटिकली कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेरा ओपिनियन, मैं पॉलिटिक्स में कुछ खास नहीं। आपको नहीं लगता कि बेहतर हो सकती थी चीज़ें वैक्सीन को लेकर? बट ये प्रोग्राम जो अभी चला रहे हैं ना, ये काफ़ी पहले से करना था, पहले से ये चीज़ें काफ़ी पहले से होती तो जितनी ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो लोगों की डेथ्स हुई हैं, ये चीज़ें नहीं होती उस टाइम। ये चीज़ें थोड़ी कवर में रहती, ये अपने हाथ में रहती ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों का भी यही कहना है कि जो वैक्सीन को लेकर जो मैनेजमेंट थी वो कहीं ना कहीं धीमी गति से वो शुरू हुई और अभी भी जो है वैक्सीन की किल्लत वो बनी हुई है। यहाँ पर एक दुकानदार है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपकी किस चीज़ की दुकान है? घड़ियों की दुकान है। तो आज ही खुली है या बंद थी? आज ही खुला है। अच्छा, जो ये एक महीने का जो दौर था लगभग लॉकडाउन वाला, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? चैलेंजिंग तो इस बार तो जो बेसिकली था वो हेल्थ इशू पे ही ज़्यादा रहे हैं, कि बस ये डर रहता था कि इसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको हम लोग फेस कैसे करेंगे हमारे, क्योंकि सामने हमें कुछ दिखता नहीं था। जो न्यूज़ या बाकी चीज़ों में आता था वो सिर्फ डरावना और डरावना और डरावना। तो इस अभी क्या लग रहा है, मतलब ये जो 27-28 दिन के बाद लॉकडाउन खुला है, किस तरह का माहौल है मार्केट में? अभी तो बिल्कुल स्लो है, मार्केट के अंदर कोई उठाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है, सिर्फ शॉपकीपर्स आ गए हैं पर कस्टमर बिल्कुल नहीं है अभी। नहीं, अभी बिल्कुल कस्टमर नहीं है। तो वक्त लगेगा शायद इसमें अभी, क्योंकि इस बार जो लहर थी, दूसरी जो वेव थी, उसमें शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसके जानकार में कोई ऐसी घटना कोविड को लेकर ना हुई हो, तो इस वजह से भी जो डर है वो इस बार लोगों में ज़्यादा है और वो संभल कर थोड़ा सा मार्केट और बाजारों की तरफ रुख करेंगे। धीरे धीरे हालांकि चीज़ें ठीक होंगी। वैक्सीन आपको लग गई है? मुझे लग गई है। कितनी डोज लग गई? दोनों डोज लग गई है मेरे को। दोनों डोज आपको लग गई है, चलिए अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि वैक्सीन को लेकर सरकार का जो मैनेजमेंट था वो बेहतर हो सकता था? हाँ बिल्कुल, पहले इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा और किया जाता तो बेहतर हो सकता था, कि वैक्सीन के लिए पहले से प्रॉपर अवेयरनेस और उसको ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको और ज़्यादा किया जा सकता। जैसे अभी 18 से 45 के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपके घर में अभी 18 से 45 के बीच में है लोग? बिल्कुल है, मेरा बेटा ही है। उनकी हो गई वैक्सीन? सिर्फ फर्स्ट डोज हुआ, सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं हो रही, स्लॉट नहीं मिलता। मैं रोज ट्राई करता हूँ पर स्लॉट नहीं मिल रहा, पीछे 3-4 दिन बंद रहा, अब है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। कल रात को मैंने 1 बजे भी ट्राई किया तो भी रात को एक बजे जो स्लॉट खुले हैं। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि दिल्ली के लोग जो है दिल्ली से बाहर NCR के सेंटरों पर वैक्सीन की खोज में जो है वो कई 100 किलोमीटर भी घूम रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यानी कि अपने आप को इस तरह से ट्राई किया, पर कुछ लोग वो खाली हाथ आए हैं यहाँ से, यानी कि मेरठ और गाजियाबाद गए, पर वहाँ उनको लगा नहीं, स्लॉट बुक होने के बाद भी लगा नहीं, आधार कार्ड देखने के बाद उन्होंने मना कर दिया दिल्ली का है। अच्छा, मना कर दिया कि दिल्ली का है, इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं हुई। अच्छा, कुछ और ऐसे इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ थोड़े से, यानी कि जैसे में ज़्यादा और सकते कि हमें
यानी कि जो सिस्टम को है ज़्यादा यानी कि ओपन करके कि जिससे जो भी कोई प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन या क्लियरेंस मिल जाए कि यह ऐसा होगा या ऐसा होगा, जो अभी तक नहीं है।